दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टूला की प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, फिस्टूला या इसको यूं भी कहते हैं बगंदर। दोस्तों एक होती है बवासीर, एक होती है बगंदर। आपने देखा भी होगा कई बोर्ड लगे होते हैं बवासीर बगंदर का इलाज कराए, वो ही बगंदर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ना हमारे एनस के द्वार पे छोटे छोटे मच्छे टाइप हो जाते हैं और उनमें से ब्लड आने लग जाता है। ये ब्लड क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो आखिरी छोर होता है वहां पे एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसमें से ब्लड आने लग जाता है। जब व्यक्ति सोच के लिए जाता है दोस्तों, इतना पीड़ा होती है, इतनी दर्द होती है, खून ब्लड बहुत ज्यादा आता है और वो जो एनस के रास्ते पे मस्सा हो गया उसमें बहुत ज्यादा जलन पैदा हो जाती है। एनस के रास्ते के चारों ओर सूजन आने लग जाती है, व्यक्ति ना तो बैठ सकता ना लेटरन जा सकता, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी इसको हो जाती है। खैर आज मैं बात करूंगा, ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आपको ये जो बगंदर है ये खत्म हो जाएगा जड़ से और दोबारा जिंदगी में होगा नहीं। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये बढ़ जाता है, फिर इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है या लास्ट में इसका कैंसर होने का भी खतरा रहता है। खैर करना क्या, आपको टब टाइप आपको लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना है। जी हाँ दोस्तों, पानी इतना हो कि आपका ये वाला हिस्सा पेट के नीचे वाला उसमें आ सके। हल्का गर्म पानी ले, ज्यादा गर्म पानी ना ले। उसके अंदर दो चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट मिला ले। जी हाँ दोस्तों, लाल दवाई आप केमिस्ट पे जाएंगे उसको बोलना पोटेशियम परमैंगनेट दे दें, वो आपको इस तरीके से एक डब्बे में होगा वो दे देगा, 10 या 15 रुपए की आपको मिल जाएगी आसानी से। वो दो चुटकी इसमें डाल ले, इस तरीके से मिलाए पानी को और उसमें 10 से 15 मिनट बैठ जाए। दोस्तों डेली बैठना आपको सुबह 10 से 15 मिनट। उसके बाद क्या करें दोस्तों, आपने क्या करना है, 4 से 5 पत्ते नीम के लेने और थोड़ी सी तिल लेनी, चाहे वो सफेद हो चाहे काली तिल हो, दोनों को अच्छी तरीके से पीस लें। पीसने के बाद उसमें आधी चम्मच घी मिला लें। घी मिलाने के बाद मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद एनस के रास्ते पे उसको लगा लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, आप देखना हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और क्या करें दोस्तों, जो पंसारी होते हैं आयुर्वेदिक की दुकान, उस पर आप जाके बोले अमृत धारा दे, इतनी सी शीशी आएगी दोस्तों, रेड रेड उसमें अमृत धारा होती है, 10-15 रुपए की आती है, वो आप लाएं और इस तरीके से उंगली पे लेके जहां पे भी मस्से हैं उस पर लगाएं। जब भी आप टॉयलेट जाएं इसको लगाएं डेली, मतलब जब भी आपको टॉयलेट लगे जाओ इसको जरूर लगाओ, ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और क्या करें दोस्तों, आपको क्या करना, लहसुन लेने एक कली ले ले या दो कली ले ले लहसुन के, उसको घी में अच्छी तरीके से भून ले, सेक ले, सेकने के बाद उसको अच्छी तरीके से पीस ले। पीसने के बाद आप वो जो मिक्स हो जाएगा उसको एनएस के रास्ते पे लगा ले, रात को लगा के सो जाए। धीरे धीरे देखना आप कुछ ही दिन में ये जो प्रॉब्लम है बगंदर की जड़ से खत्म हो जाएगी। किसी तरह की आपको दवाई की जरूरत नहीं है, किसी तरह की ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने पेट का ध्यान रखना, कब्ज नहीं होनी चाहिए, कब्ज हुई तो ये बीमारी दोबारा आ जाएगी। तो पेट को साफ रखें, फल वगैरह खाएं, फाइबर वाली चीजें खाएं, इस सब घोल लें, पेट में कब्ज ना रहने पाए, क्योंकि दोस्तों कब्ज रहेगी तो फिर आप प्रेशर लगाएंगे तो फिर मस्से दिक्कत कर सकते। तो ये करें दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो बीमारी है 110% ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। नमस्कार।